Very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigrahi. On behalf of the whole Etution family, I welcome you all to today's class. I am teaching you Science Class 9 and we are reading Chapter 12, Sound. So, today we are going to start a new chapter. Sound, okay, this will be complete in 2-3 parts. So, if you are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. And if you are watching the video for the very first time, then you may go to the playlist and check out, okay? So, before starting the class, let me remind you that Etution is providing quality education for your better tomorrow. So, don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright? So, let's start. Without wasting any further time, let's see what we are going to discuss today. Today, we'll be discussing introduction to waves, particle motion of mechanical waves and sound properties. ठीक है, हम कुछ पर्टिकुलर पोर्शन इस चैप्टर का आज कंप्लीट करेंगे, कुछ नई नई बेसिक चीज़ें देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू वेव्स. नाउ व्हाट आर वेव्स? वी ऑल नो व्हाट इज वेव्स. आप जानते हो वेव होता है जो कि मूवमेंट करता है फ्रॉम वन थिंग टू अदर, डिस्टर्बेंस. लेट्स सी, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर एंड कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है. ठीक है, इट मे टेक द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन और अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर. तो क्या होता है कि ये जो है आइदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन या फिर प्रेशर के वेरिएशन में फॉर्म ले सकता है. दैट इज रबर कॉर्क ऑन द वॉटर दैट गोज अप एंड डाउन व्हेन अ रॉक फॉल्स इन द वॉटर क्रिएट्स अ रिपल. नाउ व्हाट इट इज रबर कॉर्क ऑन वाटर. अगर आप एक रबर कॉर्क को पानी में डाल देते हो तो रबर कॉर्क अप एंड डाउन ऊपर नीचे होता रहेगा. कब? जब आप एक पत्थर उस पानी में डालोगे तो पानी क्या होगा, ऐसे सर्कल 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 का. उस टाइम पे रबर कॉर्क ऊपर नीचे होगा, यानी कि वो ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम पत्थर पानी में फेंकते हैं तो पानी जो है वेव की तरह काम करता है. ठीक है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. पर्टिकल मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स. अब वेव्स जो होता है मैकेनिकल होता है. ठीक है, यू कैन सी दैट वेव्स, राइट? तो दो टाइप का वेव्स देखा जाता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स? जो पर्टिकल मोशन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन होगा तो उसी को बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स. फॉर एग्जाम्पल, लाइट एंड मैक्सिकन वेव इन अ स्टेडियम. तो जैसे कि आप लाइट देख सकते हो, एक के बाद एक टॉर्च लाइट लगाते हैं रो में, एक स्टेडियम में, वो ट्रांसवर्स वेव है. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होगा. फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव्स इन एयर. जो एयर में साउंड वेव होता है वो जो पैरेलल होता है, दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? साउंड जो होता है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. अब मैं बोल रही हूँ तो मेरा मीडियम क्या है? एयर. तो एयर के मीडियम से ही हमारा साउंड ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. द मैटर और मटेरियल थ्रू विच द साउंड प्रोपगेट्स इज कॉल्ड अ मीडियम. तो एक मीडियम चाहिए, एक आधार चाहिए जिससे कि आपका साउंड ट्रैवल कर सकता है. When particles vibrate about their mean positions, it pushes a region of compressed air. कैसे ट्रैवल करता है? जब भी कोई पर्टिकल्स होता है, मतलब जब भी हम बोलते हैं, एक मेन पोजिशन से वो एक कॉम्प्रेस एयर होकर पुश करता है. तो एक हाई प्रेशर डेवलप होता है उस एरिया में और एक लो प्रेशर तक वो ट्रैवल करता है. साउंड जो होता है कॉम्प्रेशन से ट्रैवल करता है और एयर फ्रैक्शन से भी ट्रैवल करता है एक मीडियम में. ठीक है, साउंड प्रोपेगेशन देखा जा सकता है. ठीक है, जब प्रेशर वेरिएशंस हम क्रिएट करेंगे एक मीडियम में तो हम साउंड प्रोपेगेशन को देख सकते हैं. तो हमने क्या देखा, व्हेन पर्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट द मेन पोजिशंस इट पुशेस अ रीजन ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर फॉलोड बाय अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एज अ पर्टिकल रिट्रीट्स टू इट्स मेन पोजिशन. द साउंड वेव प्रोपेगेट्स बाय कॉम्प्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ पर्टिकल्स इन अ मीडियम. साउंड प्रोपेगेशन कैन बी विजुअलाइज एज अ प्रोपेगेशन ऑफ प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम. फाइन, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. साउंड वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक है, पहला है वेवलेंथ. वेवलेंथ के बारे में हम सब जानते हैं. वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं बाय दैट ऑफ ग्रीक लेटर लैम्बडा. तो ये जो होता है दैट इज उसका एसआई यूनिट है मीटर. सो व्हाट इट इज एग्जैक्टली? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ और सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, हम एक वेव देख पा रहे हैं जिसमें एक क्रेस्ट है और ट्रफ है. तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दैट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज वेवलेंथ, जो कि ग्रीक लेटर लैम्बडा में डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट है
meter. Now time period, we all know time period, time taken by two consecutive आपका पर्टिकुलर कॉम्प्रेशंस या फिर एयर फ्रैक्शंस को ही हम बोला जाएगा टाइम पीरियड, उसका साइन सेकंड है. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू के तरफ से दैट इज ग्रीक लेटर में डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट है हर्ज, ठीक है, और हर्ज सेकंड पर इनवर्स माना जाता है, ठीक है. नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन, कितना ज़्यादा बार आप कॉम्प्रेशन करते हो वो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको इवन डिनोट किया जाता है, दैट इज वी इज इक्वल टू 1/T, ठीक है. तो इसमें इवन अगर आप स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालोगे, सो दैट विल बी योर स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है. एम्पलीट्यूड, नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस अगर आपको मीडियम में मिलता है कहीं भी मीन वैल्यू के, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. As shown in the figure below, the unit of amplitude will be the density or pressure distance between mean position and crest. तो picture में आप देख सकते हैं crest और trough के बीच में mean displacement जो हो उसी को हम लोग नाम दिए amplitude. Now it's pitch. What is pitch? The number of compressions or air fractions per unit time directly proportion to frequency is known as पिच. ओके, सो वेव डिस्टर्बेंस एंड दैट इज टाइम. तो यहाँ पे जो बीच में आपको दिख पा रहा है वही जो है दैट इज आपका पिच है, ठीक है. वेव डिस्टर्बेंस जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो टाइम के हिसाब से आप देख पाते हो दो डिस्टर्बेंस हो रहा है. लो पिच में आप देख रहे हो आपका क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस कितना बड़ा बड़ा क्रेस्ट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ दैट ऑफ योर लो पिच साउंड, वेर एज हाई पिच साउंड में देखो आपका क्रेस्ट ऑफ कितना ज़्यादा स्मॉल हो रहा है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. लो पिच साउंड जिसका आवाज़ बहुत धीरे निकलता है उनका जो क्रेस्ट ऑफ होता है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इन केस ऑफ हाई पिच साउंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर क्रेस्ट एंड ट्रफ. सो ग्राफ इज चेंजिंग, राइट. Okay, next. All right. So that's all for today's class. I hope that you enjoyed today's class. This was a very simple class. Okay. I have not included any problem in this particular class. So, आपको ये करना है कि आपको जाना है और once you get home or after watching this video, you just do one thing. You make your own notes properly. Okay. And then you go to the in-text question, solve the textual questions, because धीरे धीरे chapters conclude हो जाएंगे, ठीक है. So you really need to practice more and more. All right, there is no shortcut to like success. So पढ़ाई करना पड़ेगा आपको. तो अभी देखो धीरे धीरे chapters complete होते जा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप भी अपना notes बनाओ, अच्छे से proper notes बनाओ और पढ़ना चालू करो, ठीक है. किसी को अगर कोई भी doubt है regarding any of the part, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And anything else that you want to know, even you can text it. अगर कोई problem doubt है तो भी problem regarding भी आप मुझे जो है जो आपका comment section है उसमें comment कर सकते हैं and I'll answer. ठीक है, सो करना चालू करो धीरे धीरे, ठीक है, रिविजन करना, बिकॉज अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना. तो इसीलिए पढ़ना चालू करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट एवरीथिंग वेरी वेल. ओके, सो प्लीज़ डू इट. फास्ट करना चालू करो, ठीक है. और क्या बताओ, बस इतना ही है. इफ़ यू न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो. प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वन आफ्टर द अदर, हर एक चैप्टर का पार्ट वाइज मिल जाएगा. उसको आप चेकआउट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है. उसके बाद अपने से नोट्स बनाओ और धीरे धीरे पढ़ना चालू करो, ठीक है. सो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद और एक दो पार्ट्स आएंगे, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है. सो इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं आएगा और बिकॉज इससे थोड़ा टाइम टेकिंग है, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आई विल बी ओनली टीचिंग यू. तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन आंसर्स में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई आंसर, ठीक है. सो आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग. ओके, बाय.